अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके सफ़र यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आपको मैं सुनाने वाला हूँ साथियों, वो लूसेल विंटर वंडरलैंड को लेकर आ रही। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों सभी को पता होगा, कतर में लूसेल विंटर वंडरलैंड लगाया गया था ठंड के मौसम में। तो जो भी लोग आप लोगों को देखा होगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो आज है दोस्तों 21 तारीख और कल है 22 तारीख, सॉरी दोस्तों आज है 22 तारीख। तो 22 तारीख आज ही भर 22 मार्च 2023 तक ही दोस्तों लूसेल विंटर वंडरलैंड जो है वो चलने वाला है। आज के बाद से दोस्तों इसे बंद कर दिया जाएगा, फिर से अगले साल ये स्टार्ट होगा ठंड के टाइम में। तो जो भी लोग आप लोग जाना चाहते हो जो लूसेल विंटर वंडरलैंड को अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आज भर ही खुला हुआ है, फिर दोबारा इसे बंद कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर आ रही। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप जब से हुआ है तब से बहुत सारे कंपनियां जो हैं चाहती है कतर में बहुत सारे इवेंट्स कराएं, कतर को बड़ा बड़ा इवेंट्स मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, कतर की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है कि कतर में 2023 में और 2024 में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, उसमें से क्या क्या है मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इवेंट्स होगा वो होगा डायमंड लीग चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स, जो कि 5 मई 2023 को कतर में इस साल होने वाला है। अगला दोस्तों होगा 7 मई 2023 को जूडो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, यानी दोस्तों जूडो जो होता है आपको पता ही होगा, तो जूडो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होने वाला 7 मई 2023 को। अगला दोस्तों इवेंट होगा 9 सितंबर 2023 को, जिसका नाम है कतर क्लासिक पीएसए प्लैटिनियम स्क्वैश। तो इस साल दोस्तों उसे एक बैडमिंटन की तरह ये खेला जाता है, तो ये भी इसी साल स्टार्ट होगा। अगला दोस्तों होगा कॉमर्शियल बैंक कतर मास्टर, जो कि 26वां एडिशन गल्फ होगा, जो गोल्फ जिसे कहा जाता है, ये 26 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। अगला साथियों, कतर हॉकी ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि 11 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा। अगला दोस्तों, कतर इंटरनेशनल कप ग्रैंड प्रिक्स वेट लिफ्टिंग, जो वजन उठाने का दोस्तों होता है जिसे वेट लिफ्टिंग कहा जाता है, वो 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। अगला है साथियों, इसमें कतर मेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसे हैंडबॉल कहा जाता है, वो 24 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। अगला दोस्तों इवेंट जो होगा एफसी एशियन कप, जो कि 12 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। अगला है वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप दोहा 2024, जो कि 2 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी भाई लोग आप लोग जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो दोस्तों जाकर देख सकते हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, बहुत ही बड़ी खबर है। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान जैसे ही आता है तो बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ की जाती है, बहुत सारे टाइमिंग को बदला जाता है। तो दोहा मेट्रो और लूसेल ट्रम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट दोस्तों कर दिया गया है। यदि आप दोहा मेट्रो में लूसेल ट्रम में सफ़र करते हो तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, टाइमिंग को बदला गया है। तो दोहा मेट्रो लूसेल ट्रम का टाइमिंग दोस्तों 23 तारीख से, यानी रमज़ान 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो सैटरडे से थर्सडे, यानी शनिचर से लेकर बृहस्पतिवार तक, उसे जुमरात भी कहते होंगे, 6:30 बजे सुबह से लेकर 1 बजे रात तक मेट्रो और लूसेल ट्रम चलेगा। वहीं पे जुमा के दिन यानी फ्राइडे के दिन 2 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, यानी 2 बजे दोपहर से लेकर 1 बजे रात तक लूसेल ट्रम और दोहा मेट्रो का आपको दोस्तों सेवा जो है वो दी जाएगी। तो जो भी भाई लोग आप लोग सफ़र करते हो तो टाइमिंग को याद रखिएगा। तो ये कुछ खबरें थी दोस्तों, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।